मैथ से काफी स्टूडेंट्स को डर लगता है। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से एक ऐसे स्टूडेंट रह चुकी हूँ जिसको मैथ से काफी डर लगता था। मैथ से डरने का कारण एक ये भी है कि मैथ्स में कैलकुलेशन पार्ट काफी इम्पोर्टेंट रहता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि कैलकुलेशन काफी लेंथी है और कुछ को लगता है कि ये कैलकुलेशन हमारे लिए काफी टफ है। लेकिन मैं आपके सामने एक ऐसे ट्रिक लेके आ रही हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन पार्ट ना तो लेंथी लगेगा और ना ही टफ लगेगा। और इस ये एक ही ट्रिक ऐसी नहीं है बल्कि आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जिससे आपको कैलकुलेशन से और मैथ से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, दैट इज क्लिक मैथ्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे ट्रिक। लेकिन उस ट्रिक को सीखने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आज की ट्रिक में डिस्कस होगा। द कंसेप्ट इज अल्टर रिमाइंडर। अभी बात करते हैं क्या है अल्टर रिमाइंडर। लेट्स सी, 34 बाय 8 इज ए नंबर। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर दैट इज 34, वी डिवाइड 34 बाय 8, वी गेट ए क्वेश्चन एंड ए रिमाइंडर। जो यहां पर हम 34 एज ए डिविडेंड यूज कर रहे हैं और 8 एज ए डिवाइसर, सो देन व्हाट इज आवर क्वेश्चन एंड व्हाट इज आवर रिमाइंडर। सो 8 फोर इज 32, देन रिमाइंडर इज 2। नाउ आवर क्वेश्चन इज 4 एंड आवर रिमाइंडर इज 2। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, हमें करना है कि क्वेश्चन को डिक्रीज करते जाना है और देखना है कि हमारे रिमाइंडर पे क्या असर पड़ता है। सो नाउ लेट्स से 34 डिवाइड बाय 8 और हम लेते हैं अपना रिमाइंडर, यहां सॉरी क्वेश्चन इज 3, 8 थ्री 24, देन आवर रिमाइंडर इज 10, रिमाइंडर इज 10 एंड क्वेश्चन इज 3। इन दिस वे वी कैन कंटिन्यू दिस कंसेप्ट वन बाय वन, दैट इज नाउ वी टेक 2 क्वेश्चन, तो आपका जो रिमाइंडर होगा यहां पर 18। अगर हम यहां पे क्वेश्चन लेते हैं 1, देन आपका जो रिमाइंडर होगा वो होगा 26। दैट मीन्स जैसे जैसे हम क्वेश्चन को डिक्रीज करते जा रहे हैं बाय 1, हमारा रिमाइंडर इंक्रीज होता जा रहा है बाय डिवाइजर। डिवाइजर इज 8, तो आपके हर रिमाइंडर में 8 प्लस होता जा रहा है और यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो 1 से डिक्रीज होता जा रहा है। सो व्हाई दिस कंसेप्ट इज सो यूजफुल इन दिस कमिंग ट्रिक, देखते हैं। हियर वी हैव 7453 डिवाइड बाय 79। सो फर्स्ट कंसेप्ट विल बी सेम जैसा हम अब तक अपने ट्रिक में करते आ रहे हैं फ्लैग एंड पोल मेथड में। स्प्लिट बाय 1 दैट इज 3 and we can write this 79 like this. So this is our flag and this is our pole, and we already know pole works like a divisor. We already discussed this method in our previous video. Those who missed can view the link in the description box. So here first step will be same. That means first we divide this 7 by the pole, that is 7, एंड वी गेट ए क्वेश्चन एंड ए रिमाइंडर। तो जब आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 1 एज ए क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 0। सो नेक्स्ट डिजिट आपका जो होगा, नेक्स्ट नंबर सॉरी जो होगा वो आपका होगा 4, दैट इज 04, दैट मीन्स 4। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट स्टेप इज 7 माइनस मल्टीप्लीकेशन विद द प्रीवियस क्वेश्चन दैट इज 1 विद द फ्लैग दैट इज 9। That means 4 minus 9 is equal to minus 5. Here you get minus 5, that is the negative term. तो आपका यहां पर concept जो use होगा वो है altered remainder. क्योंकि आप minus 5 को किसी भी number से भी divide नहीं कर सकते, तो आपको means आप quotient में negative number नहीं लेके आ सकते, तो इसके लिए आपको use करना होगा altered remainder. कैसे? यहां पर हम अपने क्वेश्चन को करेंगे डिक्रीज बाय 1 और रिमाइंडर में ऐड करेंगे अपना डिवाइजर दैट इज 7। सो नाउ आवर क्वेश्चन इज 0 एंड दिस टर्म विल बिकम दैट इज 74, दैट इज 74। व्हेन वी ऐड 0 प्लस 7 वी विल गेट 7, सो दिस इज 74। यू कैन सी नेक्स्ट स्टेप विल बी सेम, दैट इज 74 माइनस मल्टीप्लीकेशन विद द प्रीवियस क्वेश्चन विच इज 0 with flag that is 9, but 74 minus 0 is again we get 74.
Next step, 74 divide by 4. And now what is our quotient? Our quotient is 10. You can easily divide 74 by 7. And our remainder is 4. So we can put here 10 and remainder is 4. So next जो आपका number है वो आपका है 45. In the same way, 45 minus multiplication of previous quotient which is 10 with flag which is 9. So now you can see 45 minus 90, again we get the negative term. तो इसका मतलब क्या है कि आपको next term भी negative मिल रही है, तो आपको यहां पर भी apply करना है altered remainder method. So now decrease this quotient by 1 and add divisor which is 7 in our remainder. So now what will we get? We get 0, 9 and here it becomes 7 plus 4 that is 11, 115. So we can write this number like 11 raised to power 5 and it will become 115. So next step will be same, that is 115 minus previous quotient which is 9 multiplication with 9 that is flag. This is equal to 115 minus 81 and this is equal to 34. So this is our 34. Now 34 divided by 7 we get quotient is equal to 4 and remainder is equal to 6. So quotient is 4 and remainder is 6. We can easily put here and 6 here. Now next number is 63. So we will follow the same rule here, that is 63 minus multiplication the previous quotient with the flag, that is 9 fours are 36. When we subtract this number, 63 minus 36, what will we get? We get 27. So this is the 27 and 27 divided by pole which is 7. So we will continue this step, that is 27 by 7. What is our quotient? Our quotient is 3 and our remainder is 6. So now we can put 0 in the above. Now this is 60. Ye aapne yahan par remainder put kiya hai, ye 0, that is 60. Now we follow the same rule, 60 minus multiplication with the previous quotient, that is 3 with the flag which is 9. 60 minus 27 we will get 33 and when we divide 33 by 7 our quotient is 4 and our remainder is 5. So we can put 4 here and 5 if you want. कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट चाहिए तो आप आगे 5 पुट करके और 0 पुट करके इजीली इस प्रोसेस को आगे कर सकते हो. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपे पॉइंट्स के बाद 2 ही डिजिट चाहिए तो यू कैन स्टॉप हियर. सो नाउ व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर इज 94.34 इज आवर आंसर. कि आपने डेसिमल्स के बाद दो डिजिट तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. सो दिस इज आवर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस ट्रिक. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.